बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सोनू और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास जो है वो BSc सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस पर, जो 2022 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो BSc सेकेंड ईयर में भी अप्लाई हुई है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न सेमेस्टर वाइज BSc सेकेंड ईयर का भी हुआ है, और पेपर पैटर्न में भी क्या बदलाव हुआ है, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस पर कि आपके BSc पार्ट सेकंड में आपको पढ़ना क्या क्या है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर यानी SPHD पॉइंट पर BSc की समस्त कंप्लीट तैयारियाँ कराई जाती हैं, जहाँ पर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की क्लासें बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पर, इसके बाद में मैं आपको न्यू मॉडल पेपर, जो आपका मॉडल पेपर है उस पर डिस्कशन होगा। आपको लगभग दो मॉडल पेपर मैं दूंगा, जो संभावित पेपर रहेगा 2022 के लिए, और उसी मॉडल पेपर से ये मानकर चलिए 70% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलेबस है, सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं और बात कर लेते हैं क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में भी लागू होगी BSc सेकेंड ईयर में। दोस्तों, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो लागू हुई है 2021-22 सत्र में, वो केवल और केवल BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर के लिए ही लागू हुई है। यानी कि जितने भी फर्स्ट ईयर हैं उनमें ही लागू हुई है। अब आप जैसे मान लीजिए जो BSc फर्स्ट ईयर में हैं उनका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, उनका पैटर्न जो है वो सेमेस्टर वाइज हुआ है, BSc सेकेंड ईयर का सेमेस्टर वाइज पैटर्न नहीं हुआ है, उनका ओल्ड पैटर्न ही रहेगा। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपका पेपर था, जैसा कि पहले सेकेंड ईयर में होता था, उसी तरह से आपका भी पेपर कराया जाएगा। यानी कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है आपके सिलेबस को लेकर के, आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। इन सभी बातों को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस पर, तो जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, आपके तीन पेपर हैं केमिस्ट्री BSc पार्ट सेकंड में, तीन पेपर होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक का, पहला होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। तो तीन पेपर जो होते हैं वो आपके केमिस्ट्री के होते हैं। कुल मिला के जो आपका पूर्णांक होता है, प्रत्येक पेपर 50 नंबर का आता है, प्रत्येक पेपर जो है 50 नंबर का आएगा। यानी कि तीन पेपर होंगे आपके, 50 × 3 मतलब कि 150 नंबर, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कुल मिला के 200 नंबर का पेपर आपका कराया जाएगा पार्ट सेकंड में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास समझ में आ रही है आपके? अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस पर। हम बात करेंगे सबसे पहले इनऑर्गेनिक पर कि इनऑर्गेनिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से टॉपिक इनऑर्गेनिक में चेंज हुए हैं, क्या बदलाव हुआ है, और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी। बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट की जो आपका पहला चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको डिस्कस करना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या डिस्कस करेंगे आप? आपका जो पहला चैप्टर है, यानी कि आप जनरली ये मानकर चलिए कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको अध्ययन करना है आपके फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें आपको बाइनरी कंपाउंड डिस्कस करना होगा और संकरण डिस्कस करना होगा, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेट नंबर और ज्योमेट्री भी डिस्कस करनी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो आपका पहला टॉपिक जो ये था। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि दूसरा चैप्टर आपका क्या है। तो दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमें सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करना है।
जिन्हें हमें पढ़ना होगा, जनरल करेक्टरिस्टिक, कंपरेटिव ट्रांजिशन ऑफ जेड आर हाइड्रोजन फ्लोराइड और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी रिस्पेक्ट टू आयनिक रेडियाई। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना होगा इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना होगा सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी आपके सेकेंड चैप्टर में। तो इतनी सारी चीज़ें बात हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, आपका जो इनऑर्गेनिक का सेकेंड यूनिट है उसमें पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर 3 आपका है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चैप्टर नंबर 3 क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जितने आपको पढ़ना है वर्नियर्स कोऑर्डिनेट थ्योरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको डिस्कशन करा देता हूँ वर्नियर कोऑर्डिनेट थ्योरी के बारे में, जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डिस्कस करना होगा वर्नियर्स कोऑर्डिनेट थ्योरी की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EVN नंबर के बारे में डिस्कस करना है आपको, और कॉन्सेप्ट ऑफ चिलेट्स आपको बताना होगा, चिलेट्स क्या है, नॉमनक्लेचर उसका बताना होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल परेशान न रहिए, आज का हमारा केवल इतना ही मोटिव है कि आप सिलेबस से अवगत हो जाएं, और कल मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे दूंगा जिससे क्वेश्चन उठते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी बात, आपको मॉडल पेपर मैं करा दूंगा और प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन भी करा दूंगा, सॉल्व पेपर भी आपको दूंगा कि सॉल्व किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके थर्ड यूनिट की, आपका जो तीसरी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसमें आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ना है लेंथेनाइड सीरीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, इन सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि इन सभी टॉपिकों को हम डिस्कशन थर्ड यूनिट में करेंगे। यानी थर्ड यूनिट जो आपकी है बेसिकली वो किस पर है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनाइड एलिमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना होगा आपकी तीसरी यूनिट में। उसके बाद हम जो पांचवा चैप्टर है आपका केमिस्ट्री ऑफ द एंथेनाइड, पांचवा चैप्टर में आपको डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री, सेपरेशन ऑफ NPPU एंड AM फॉर यू, यानी इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है केमिस्ट्री, यानी पांचवे चैप्टर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी चौथी यूनिट है, जो आपकी चौथी यूनिट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, जिसमें हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि EVN नंबर के बारे में भी डिस्कस करना होगा, इसमें ग्लैबनो शेल के सेल के बारे में डिस्कस करना होगा हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बात किया जाए तो ये आपके एग्जाम में 2022 में भी पूछी जाने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशन, ये पूछे जाते रहते हैं आपके एग्जाम में। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी पूछा गया है, यानी कि चौथी यूनिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं आपका सातवां जो चैप्टर है वह एसिड एंड बेस, आपका जो सातवां चैप्टर क्या है, एसिड और बेस पर है, जिसमें हमें डिस्कस करना होगा एसिड और बेस क्या होते हैं, जिसमें आपको लोरियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, फूड सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी क्लास सेकेंड ईयर की भी क्लास संचालित की जाएगी, आपकी सेकेंड ईयर की भी क्लास संचालित की जाएगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा किस टाइम आपकी लाइव क्लास होगी, आपको बिल्कुल मुफ्त में PDF भी आपको दिया जाएगा, आपको PDF भी दिया जाएगा जिसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो आपका आठवां चैप्टर है वो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, आपका जो आठवां चैप्टर है लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट के बारे में आपको पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किसने प्रकार के टाइप होते हैं सॉल्वेंट उनके बारे में डिस्कस करना है और उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक के बारे में भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस था जो कुल मिला के 50 नंबर का होना है आपका इनऑर्गेनिक का पेपर, जिसमें आपको लिखित पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके इसमें नहीं आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड पेपर के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो आपका दूसरा पेपर है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
जो आपका कुल मिला के 50 नंबर का होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार का आपका सिलेबस है। बात कर लेते हैं पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट में आपको डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एल्सार्सन स्पेक्ट्रा, अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में, एल्सार्सन आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लगभग मान कर चलिए कि दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में। इसमें आपको डिस्कस करना है एब्सॉर्प्शन लॉ क्या होता है, बी एस लैम्बर्ट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी एस लैम्बर्ट लॉ जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की बात किया जाए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें मानकर चलिए कि लगातार 2017 से लेकर 2019 तक लगातार ये बी एस लैम्बर्ट लॉ पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक आपका है मॉलिकुलर एब्जॉर्बेबिलिटी क्या होती है, फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड अदर टॉपिक। जैसे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है उसमें हो जाती है हाइक्रोक्रोमिक शिफ्ट, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कंजुगेटेड एंड इनेंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये पहला जो आपका यूनिट है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कम्प्लीटली आपको एब्जॉर्प्शन यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर है, जो कंप्लीट आपको करना है, और इससे प्रश्न भी आते रहते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर होगा, जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है एल्कोहल्स, जिसमें आपको डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन एंड नॉर्मल क्लेचर। जो आपका दूसरा चैप्टर है वो एल्कोहल्स है, जिसमें आपको एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और नॉर्मल क्लेचर डिस्कस करना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, पॉली क्या होती है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक मतलब एल्कोहल क्या होता है, जिनमें आपको नॉर्मल क्लेचर के साथ साथ उनके फॉर्मेशन, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शन के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आपका जो चौथा दूसरा यूनिट है वो पूर्णतः एल्कोहल से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो तीसरा चैप्टर है आपका, वो है फिनाल। पूरा चैप्टर जो आपका वो फिनाल है, फिनाल क्या होता है, नॉर्मल क्लेचर आपको बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, इसकी बॉन्डिंग बतानी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, और साथ ही साथ इसमें आपके नियमिंग रिएक्शन पूछे जाने हैं, जिसमें आपको नियमिंग रिएक्शन आपके पूछे जाने हैं। तो नियमिंग रिएक्शन में आपको याद क्या करना है, नियमिंग रिएक्शन में आपको क्लासियन रीअरेंजमेंट आपको याद करना है और गाटरमैन सिंथेसिस आपको तैयार करना है। दूसरा बात है हुबनहॉस रिएक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है, जिसमें साथ साथ आपको राइमर टीमान रिएक्शन डिस्कस करना है। तो आपको ये मानकर चलिए इसमें चार नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे, फिनॉल से चार नेमिंग रिएक्शन उत्पन्न होते हैं, और उन चार नेमिंग रिएक्शनों का मैं डिस्कशन कराऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी कि थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है ईथर्स एंड एक्सप्लॉइट की। जो आपकी थर्ड यूनिट है, जो आपका चौथा चैप्टर है, वो ईथर के बारे में पढ़ना है। ईथर क्या होता है, उनका नॉर्मल क्लेचर करना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज बताना है, और इन सभी का डिस्कशन आपको तीसरे चैप्टर में आपको करना है, चौथे चैप्टर में आपको करना है। अगला जो पांचवा चैप्टर है आपका वो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है एल्डिहाइड और कीटोन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा चैप्टर आपका है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि हम बात करेंगे एल्डिहाइड में नॉर्मल क्लेचर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोनल ग्रुप क्या है, सिंथेसिस और एल्डिहाइड क्या है, और कीटोन पार्टिकुलर रेफरेंस, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। और साथ ही साथ आपको 1,3-diene के बारे में डिस्कस करना होगा, कीटोन का फार्मूला, एल्डिहाइड और कीटोन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको मैकेनिज्म पूछा जाता है कि मैकेनिज्म आपको करना, यानी क्रिया विधि आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके जो छठी यूनिट है वो क्या है, चौथी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो चौथी यूनिट जो आपकी है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनमें आपको डिस्कस करना है नॉर्मल क्लेचर, स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल क्लेचर क्या होगा, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है आपको। फिर साथ ही साथ आपको इसमें जो है नेमिंग रिएक्शन भी पूछे जाते हैं, जो हेल वोलहार्ड और जिंक की रिएक्शन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और सिंथेसिस ऑफ द एसिड क्लोराइड के बारे में भी पूछा जाता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एस्टर और एमाइड क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। एस्टर के बारे में पूछा जाता है, एस्टर क्या होता है, जिसमें मैकेनिज्म पूछी जाती है आपसे, एस्टर की मैकेनिज्म भी पूछी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की। अगला जो आपका टॉपिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स है, जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, नॉमनक्लेचर, एसिड क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन, एस्टर एमाइड क्या होता है जिसमें यूरिया और जो एसिड एमाइड है उनका रिएक्शन कराना होगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सातवां चैप्टर। अब बात कर लेते हैं जो आपका आठवां चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर जो है वो है अगला आठवां जो चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आठवां चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन के बारे में डिस्कस करना है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, नाइट्रो एल्केन मैकेनिज्म रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कर ले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन आपको कराएंगे। साथ ही साथ पिक्रिक एसिड, जो आप 12th क्लास में पढ़ते थे, पिक्रिक एसिड पढ़े होंगे आप लोग, तो पिक्रिक एसिड इसमें भी पूछा जाता है, जिसमें पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड के बारे में पूछा जाता है। एमाइड जो होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड क्या होते हैं, प्राइमरी एमाइड क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करना होता है। तो हमारा ऑर्गेनिक टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे आपके तीसरे पेपर की। जो आपका तीसरा पेपर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो आपका तीसरा पेपर है होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कुल मिला के 50 नंबर का होता है, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। जो आपका पहला यूनिट है उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमें जो पहला आपका है वो है थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो जिसमें हम डिफाइन करेंगे डिफाइन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स टर्म। थर्मोडायनामिक्स का टर्म क्या होता है, जिसमें हमें डिस्कस करना है सिस्टम सराउंडिंग के बारे में, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। फिर हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, स्टेट पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। यानी पूरी तरह आपको ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर ये निर्धारित है, ठीक है। तो यानी आपका जो पहला चैप्टर वो थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरा है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो दूसरा आपका टॉपिक है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना है। आपकी फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर में सबसे पहले आपको डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और जो अगला टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। अब बात कर लेते हैं आपके सेकेंड यूनिट की, कि आपका जो सेकेंड यूनिट है वो क्या होता है और सेकेंड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। सेकेंड यूनिट जो है आपकी वो क्या है, जो आपका दूसरा चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेटिव लॉ मास एक्शन के बारे में डिस्कस करना है, और आइसोटॉप्स आइसोकोरेंस क्या होते हैं, कोरेंस आप क्या होती है, और क्लासियस कैलाप्रॉन हीट इक्वेशन के बारे में ही आपको डिस्कस करना है। तो यानी जो आपका दूसरा चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी यूनिट के बारे में बात करें तो तीसरी यूनिट जो है वो थर्मोडायनामिक्स सेकंड है, यानी कि थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ हमें डिस्कस करना है। आपकी तीसरे चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ हमें डिस्कस करना है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है। जो अगला आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा गबिज एंड हैमिल्टन फॉर्मेशन फंक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गबिज और हैमिल्टन फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2018 की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और लगातार ये विगत 3 वर्षों से अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो गबिज हैमिल्टन फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जाता रहता है, तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करिएगा। बात करते हैं थर्ड यूनिट, अगला जो चैप्टर है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डिस्कस करना है थर्मोडायनामिक्स के 3 लॉ के बारे में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगला जो टॉपिक है वो है गैबिज एंड हैमिल्टन फंक्शन, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो आपकी तीसरी यूनिट है
वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है मेटल एंड इलेक्ट्रो वैलेंट सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और मेजरमेंट आप इक्विवेलेंट कंडेंसेशन के बारे में पढ़ना है, वेरिफिकेशन आप मोलर इक्विवेलेंट आप स्पेसिफिक सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करना है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है आपके जो थर्ड यूनिट है, यानी कि पूरी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, पांचवा जो यूनिट है आपका वो है सोल्यूशन पर, जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिक्विड पर, लिक्विड क्या होती है, मिक्स लिक्विड क्या होता है, HClH2O और एथेनॉल का वाटर में सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की बात, अब बात करते हैं आपके जो चौथी यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फेज इक्विलिब्रियम के बारे में। चौथी यूनिट आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गैस मेटल आयन क्या होता है, साल्ट आयन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस और डियर एप्लीकेशन। देखिए आपकी जो क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस होगी, यानी दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल होगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड ग्लेबनिक सेल, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड ग्लेबनिक सेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल के बारे में डिस्कस करना है कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करना है। और साथ ही साथ आपको कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ सेल रिएक्शन, यानी डेल सी डेल एच एंड के बारे में रिएक्शन यानी कि रिलेशन स्थापित करना है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। अब हम बात करेंगे आपके पाँचवें यूनिट की, जो है पूर्णतया फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ टर्म फेज, कंपोनेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेरिवेटिव ऑफ गबिज फेज रूल्स। गबिज फेज रूल क्या होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है आपसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो है वह फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिकों का डिस्कशन जो है वो हमारे जो सातवीं यूनिट है उसका टॉपिक है, तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि स्टेटमेंट क्या होंगे और किस प्रकार के जो आपका सिलेबस है वो कितने फॉर्म में बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं जो आपका क्लास है वो किस प्रकार से संचालित होगा। जो सातवां फेज था, जो सातवां आपका टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यूट्यूब पर आपकी क्लास संचालित की जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी वो टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको कल की क्लास में आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, जो 2022 के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा आपके एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न उसमें मैंने बता दिया है, साथ ही साथ जब मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा तो उसमें पेपर किस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से उठेंगे, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो आप पूरी विस्तार के साथ कल की क्लास में आप सभी लोग आइएगा, और चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्लास आपकी संचालित की जाएगी, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और जिसमें हम सेकेंड ईयर के लिए डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर पर, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए हम लेकर के आएंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।